नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश श्रीवास्तव माइंड हिप्नोटिज्म चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। विचारों का मूल रहस्य और उनकी असली ताकत, आइए हम इसे समझेंगे। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, एग्जैक्टली विचार है क्या। हम सब एक मूल तत्व से बने हैं, ऐसा आप समझो कि हम सबका अल्टीमेट रिसोर्स सिर्फ एक है, ओनली वन यूनिट। सिर्फ एक ही वो इकाई है जिससे हम सब ऑपरेट हो रहे हैं, यानी कि एक मूल तत्व, एक मेन एलिमेंट है। अब उससे बहुत सारे लोगों का निर्माण हुआ, बहुत सारे शरीर बने, बहुत सारे मन बने, जितने मन बने उतने विचार बने, जितने विचार बने उतनी इच्छाएं बनी। अब ये जो विचार रहते हैं, ये क्या होता है, सॉफ्ट फॉर्म में रहते हैं, सॉफ्ट फॉर्म, यानी कि ये फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते, लेकिन फिजिकल एग्जिस्टेंस क्रिएट कराने की पावर रखते हैं। जैसे मैं अपने मन में विचार करता हूँ कि मैं रहने के लिए बहुत खूबसूरत बंगलो बनवाऊंगा, ये मैंने एक विचार किया, तो अब ये कहता मैं एक बंगलो बनवाऊंगा, अब ये बंगलो नहीं है, मैं बनवाऊंगा, अब ये सॉफ्ट फॉर्म में, सॉरी अब ये सॉफ्ट फॉर्म में। तो अब क्या होगा कि मैं प्लानिंग बनाऊंगा, मैं पैसे इकट्ठे करूंगा, मैं जमीन खरीदूंगा, मैं उस पर कंस्ट्रक्शन करूंगा और मैं बंगलो बनाऊंगा। अगर ये विचार मैंने अपने दिमाग में नहीं लाया होता तो ये बंगला कभी नहीं बनता। नहीं लाया होते का मतलब अट्रैक्ट नहीं किया होता। अब क्या होता है, इन विचारों को डीप रूटेड करना होता है। डीप रूटेड यानी कि अंतर मन की जड़ों में डालना होता है। जो विचार डीप रूटेड होते हैं वही जिंदगी में, अस्तित्व में प्रकट होकर हमारे सामने आते हैं, बस और कुछ भी नहीं। ये सारी बड़ी बड़ी बातें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड, एनएलपी, सब इस छोटे से ज्ञान में सिमट जाती है कि जो विचार डीप रूटेड होते हैं वही फिजिकल एग्जिस्टेंस में आकर जीवन में प्रकट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ वही विचार जो आपके डीप रूट में चले जाए। जैसे मेरे डीप रूट में एक विचार चला जाता है कि मैं बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा, या फिर मेरे दिमाग के डीप रूट में चला जाता है कि मेरी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी, या फिर डीप रूट में ये विचार मैं डाल लेता हूँ कि मेरी 100% से शादी होगी, या फिर डीप रूट में मैं ये विचार डाल लेता हूँ कि मेरी सब बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। डीप रूट में जाना चाहिए, गहरी जड़ों में जाना चाहिए, हमारा रोम रोम उस विचार से भर जाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी जो थिंकिंग पावर है उसका हम कभी इस्तेमाल ही नहीं करते, बड़ी सर्फेशियल थिंकिंग करते हैं, उथली उथली सोच रहती है हमारी। जाने क्यों हम इतने उथले उथले, जिंदगी में गहराई तो है ही नहीं। वो गहराई सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि हम मेडिटेशन, ध्यान, अध्यात्म, सत्य, इन सब चीज़ों को समझने की कभी कोशिश ही नहीं करते। हमें लगता है ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब बेकार की बातें नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही काम की बातें हैं, बाकी सब बातें बेकार थी। सत्य का अद्भुत ज्ञान जब आपके जीवन में प्रवेश कर जाता है तो आप एक उद्भट विद्वान बन जाते हो। आपके भीतर से नई नई बातें अपने आप उमड़ने उमड़ने लगती है। आपका हर शब्द, आपकी हर बात एक कविता, एक अलंकार, एक शायरी, एक कहावत बनकर पैदा होती है। लेकिन वो तभी होता है जब आप गहरे व्यक्ति होते हो, जब आप डीपली जीना सीख जाते हो। गहराई में कब आप जीना सीखते हो, जब आप मन की उथल पुथल से अलग होकर गहरे में गोते लगाने लगते हो। उसके लिए हमें ध्यान को समझना पड़ेगा। ध्यान को समझने के लिए मेरे बहुत सारे वीडियो आप मेरे चैनल पर स्क्रॉल करके देख सकते हैं, मुझसे सीख भी सकते हैं। मेडिटेशन जो मेरी फीस है वो पे करते हैं, जरूरतमंद लोगों के लिए मैं मुफ्त में उपलब्ध हूँ। बहुत सारे लोगों के अनुभव है, प्लीज़ वो लोग जरूर कमेंट करना जिन्हें मैंने मुफ्त में अपना बहुत सारा समय दिया है। नहीं तो लोग बोलेंगे सर सिर्फ पैसों के लिए वीडियो बनाते हैं, ऐसा है नहीं। तो हमें क्या करना है, उथला उथला सोचना बंद करना है। हम ऐसा सोचते हैं हम अमीर बनेंगे, फिर अंदर से सोचते हैं अरे हम कैसे बनेंगे, हमारी किस्मत ख़राब है, हमारा फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं है, हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं है, हम कैसे अमीर बन सकते हैं। अगर मैं भी ऐसा सोच लेता तो मैं आज वहाँ नहीं पहुँचता जहाँ पर हूँ। अगर सभी अमीर लोग ऐसा ही सोच लेते तो इतिहास नहीं रच पाते। धीरू भाई अंबानी, वॉरेन बफेट, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम, अगर उन सब लोगों ने यही सोच लिया होता कि हमारे पास तो ऐसा बैकग्राउंड ही नहीं,
हम कैसे अमीर बन सकते हैं, हमारी कहाँ इतनी किस्मत, हमारी कहाँ इतनी एजुकेशन। तो शायद उनका नाम हम और आप अभी जानते भी नहीं, और कभी नहीं जानते। आप भी इस दुनिया के बहुत ज़्यादा स्पेशल पर्सन हो, आपको उस ईश्वर ने निर्मित किया है, आपके अंदर बहुत सारी आंतरिक शक्तियाँ देकर। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, किसी भी एक विचार को पकड़ लेना है जिससे आपका पूरा जीवन बदल जाए। उस एक विचार को तलाशना है कि वो विचार कौन सा है। उस विचार को तलाशने के बाद आपको उस विचार को डीप रोटेट करना है, यानी 24 घंटे उसी विचार में लिप्त रहना है। मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम करके ही मानूंगा, मैं ये काम करके ही मानूंगा, मैं ये काम करके ही मानूंगा, मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम करूँगा, मैं इस काम को कर रहा हूँ, मैं इस काम में डूब रहा हूँ, मैं इस काम में समा रहा हूँ, ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब देखोगे अपने आप मनचाहे अवसर जीवन में प्रकट होने लगे, अपने आप वैसे लोग आपसे मिलने लगे, अपने आप वैसे वीडियो सजेस्टेड वीडियो में आने लगे, अपने आप वैसी लाइनें पेपरों में दिखाई देने लगी, आपको अपने आप जिंदगी बदलने लगी। सब कुछ अपने आप होता है, आपको बस एक कदम उठाना होता है। तो बोलते ना, तुम भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाओ, वो तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। ये बिल्कुल हकीकत है। डीप रूट में अपने विचारों को ले जाइए, गहरे में सोचिए और जिंदगी बदल दीजिए। मुझे पता है आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अच्छे लगते हो मेरे वीडियोस तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक करने में भी कंजूसी मत कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल अगर अभी तक नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।